बात करते हैं बनफूलपुरा की, जहां पर हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में अब ढील बरती जा रही है। कर्फ्यू वाले इलाके में शुक्रवार को 2 की जगह 3 घंटे की ढील दी गई थी। लाइन नंबर किदवाई नगर गफूर बस्ती में ढील आज रहने वाली है। मलिक का बागीचा इंदिरानगर शनि बाजार रोड में भी आज ढील दी गई। 3 घंटे तक बनफूलपुरा में जनरल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। जरूरी सामान खरीदने घर से बाहर निकल सकेंगे लोग। बनफूलपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक जो जरूरी सामान की जो दुकान है वो खुली रहेगी। गौजा जाली रेलवे बाजार FCI में सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक छूट दी गई है। 8 फरवरी के बवाल के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं वैसे वैसे कर्फ्यू में अलग अलग इलाकों में ढील दी जा रही है। तो बनफूलपुरा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। कल भी हमने देखा 2 घंटे की जगह 3 घंटे की ढील दी गई थी और अब एक समय बांध दिया गया है। जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के हालात पर नजर है और वैसे ही वैसे अब कर्फ्यू में अलग अलग इलाकों में ढील दी जा रही है। आज भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। लाइन नंबर किदवई नगर गफूर बस्ती मलिक का बागीचा इंदिरानगर इन सब जगहों पर आज कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। और हल्द्वानी में आज जुमे की नमाज नहीं होगी। मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी गई है। कर्फ्यू के चलते मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी है। 8 फरवरी के बवाल के बाद यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है बनफूलपुरा में और यही वजह है कि प्रशासन ने तमाम बातों का जायजा लेते हुए आज चूंकि जुमे की नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों में लोग इकट्ठा होते हैं इस जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है। मस्जिदों में जुमे की नमाज पर आज रोक है यानी कि जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं की जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र आज जुमे की नमाज नहीं होगी, सेंसिटिव मामला है, कर्फ्यू लगाई गई है और शायद यही वजह है कि प्रशासन ने यह फैसला लिया। देखा कि पिछले जब ये घटना हुई 8 फरवरी को तो उस दिन गुरुवार था और दूसरे दिन शुक्रवार था, तो ये लगातार दूसरा शुक्रवार है कहना चाहिए कि जिसमें जुमे की नमाज नहीं होगी इस पूरे के पूरे इलाके में, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जो जुमे की नमाज है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और ढील भी सुबह 8 से 11 बजे तक की दी गई है और जुमे की नमाज दोपहर में होती है, तो ऐसे में प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जुमे की नमाज आज लोग अपने घरों में जरूर पढ़ सकते हैं लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से मस्जिदों में इसको पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं और जो सुबह 8 से 11 बजे का वक्त दिया गया है जो बिल्कुल कर्फ्यू का कोर जोन कहना चाहिए उस इलाके में ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे। जो कर्फ्यू का इलाका है चाहे वो लाइन नंबर का इलाका गफूर बस्ती किदवई नगर इंदिरा नगर छोटी लाइन बड़ी लाइन और मलिक का बगीचे का इलाका और उजाला नगर का जो इलाका है इस एरिया में जो भी लोग रहने वाले हैं सुबह 8 से 11 बजे तक अपनी जरूरी सामान जरूर खरीद सकेंगे, चाहे वो आप खाने पीने के सामान हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए कोई इनको दवाएं लेनी हो वो सब चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों को भीड़ में इकट्ठे आना मना है। यानी अगर आपको आपके घर से एक आदमी की जरूरत है तो एक आदमी आइए और सामान ले जाइए, लेकिन आप गैर जरूरी तरीके से बाहर नहीं घूम सकते। उसके अलावा जो कोर जोन है कर्फ्यू का उसके में तो बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई बाहर का शख्स इस कोर जोन में जा सकता है। कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है, हालात काबू में है लेकिन फिर भी जुमे की नमाज में चूंकि बहुत लोग इकट्ठा होते हैं इसलिए इसकी परमिशन अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। आज जुमे की नमाज नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और बड़ा एक्शन हुआ है, अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब्दुल मलिक के साथ ही उसके बेटे अब्दुल मोईद के नाम पर भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इन दोनों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को अब्दुल मलिक के दुबई ओमान या फिर नेपाल भागने की आशंका है और मलिक की तलाश में हल्द्वानी पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इससे पहले अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जिसके बाद मलिक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की अब तैयारी हो रही है। अब्दुल मलिक कॉन्ट्रैक्टर है साथ ही ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा कारोबारी है। अब्दुल मलिक के साथ ही फरार 9 और आरोपियों की भी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है
और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियाँ वो जब्त की जाएगी